नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात के अंतर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपके पंप से लेके तो डिस्ट्रीब्यूटर की जो भी सेटिंग है उसके बारे में पूरी आपको जानकारी दूंगा मैं दोस्तों। और उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि ये जो हमारा पंप लगा हुआ है इसकी लाइन को किस तरीके से आपको प्लव से अटैच करना चाहिए, उसके बाद आपको किस तरीके से इसको प्लाउ करने के बाद इसको निकालना भी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं कि इस जो लाइन में आपको प्रॉपर तरीके से किस तरीके से इसको लगाया जाता है ताकि इस आपको इस पाइप के अंदर ये नली जो लगी रहती है हमारी जो हाइड्रोलिक पंप की नली जो रहती है ये नली आपकी फूटे ना। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जब आती है दोस्तों, कभी आप इसको आउट लगा देंगे तो ये नली ब्रेक कर देगा दोस्तों, ये वाली नली ब्रेक कर देगा या फिर ये वाली नली ब्रेक कर देगा या फिर आपकी ये मेन लाइन फोड़ देगा। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा बिल्कुल बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को ध्यान से देखें, मैं आपको पूरी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा संतुष्ट करूँगा कि आपको किस तरीके से इसमें प्लाव की सेटिंग करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको प्लाव को ट्रैक्टर से अटैच करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो लीवर दिख रहा होगा इस लीवर की मदद से आपको इस लीवर को एक बार आगे या पीछे ज़रूर करना है। आप इस लीवर को आगे पीछे नहीं करेंगे तो ये जब तक ये यहाँ पर रेगुलेटर सिस्टम रहता है इसका, ये इससे अटैच नहीं होगा। जब तक आप इस लीवर को एक दो बार आगे और पीछे नहीं करेंगे जब तक ये यहाँ से इससे अटैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रहता है आयल और इसमें रहता है मेन लॉन्ग। एक लॉन्ग यहाँ पे रहता है दोस्तों, एक लॉन्ग यहाँ पे रहता है। जब तक आप इसको वहाँ से लीवर को एक दो बार आगे पीछे नहीं करेंगे जब तक ये अटैच नहीं होगा। दोस्तों आगे पीछे करने के बाद दोस्तों आपको विशेष एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो हमारी पंप की नली है, मैं दोस्तों आपको उस तरफ से दिखाता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर से दोस्तों हमारे ये जो मेन लाइन आ रही है दो, इन दोनों लाइनों को आपको इस तरीके से लगाना है कि ये हमारी नली ब्लास्ट ना हो, ना फूटे। क्योंकि आप ये देख रहे हैं जो पंप लगा हुआ है हमारे प्लव के अंदर, ये प्लव के अंदर जो ऊपर वाली नली रहती है, एक ऊपर और एक नीचे, इसमें आप देख सकते हैं दो बाल लगे हुए हैं और दो नली लगी हुई है। तो दोस्तों ये ऊपर वाली का विशेष ध्यान रखना है आपको, हमेशा पंप की नली को डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जब भी जोड़ें जब सबसे पहले ऊपर वाली को ऊपर लगाएं। और दोस्तों जो नीचे वाली लगी हुई है, ये जो लाइन है नीचे वाली आप देख सकते हैं, इसको हमेशा नीचे लगाएं। इससे दोस्तों ये रहेगा कि आपका जो प्लव है प्रॉपर तरीके से घूमेगा और प्लस प्रॉपर तरीके से चलेगा भी। अब दोस्तों कभी आप इसको इस नली को इसमें लगा देंगे और ये वाली नली यहाँ से लगा देंगे और उसके बाद दोस्तों आप इस लीवर को दबाएंगे तो आपकी या तो ये नली ब्लास्ट होगी या ये नली ब्लास्ट होगी आपकी, और यहाँ से आपका पंप का जो प्रेशर पड़ेगा इस पर तो या तो फिर आपकी मेन लाइन ब्लास्ट होगी। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारी नुकसान ना हो हमारी नली का और ना हमारे ट्रैक्टर के अंदर कोई बात का दिक्कत परेशानी आए। इसलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप प्लव को अटैच करें तो इससे यहाँ से पहले आप देख लें कि हमारी ऊपर वाली नली कौन सी है और नीचे वाली नली कौन सी है, उसको प्रॉपर तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है उस डिस्ट्रीब्यूटर को आपको ऊपर वाली में ऊपर वाली नली लगानी है और नीचे वाले पंप की में नीचे वाली लगानी है। उसके बाद ही दोस्तों आपको हाइड्रोलिक उठाना है और हाइड्रोलिक उठाने के बाद इस लीवर को या तो फिर आप आगे पुश करेंगे तो प्लाव घूमेगा या फिर आप पीछे पुश करेंगे तो प्लाव घूमेगा। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको ये ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि इससे आपका नुकसान होने बच सकता है। और दोस्तों इस वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं इसी तरीके की जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं उनकी अटैचमेंट में कोई दिक्कत परेशानी आती है उसकी जानकारी, आपको कहीं से कहीं तक भी प्लाउ से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो मैं इसी तरीके के नए नए मॉडल हुए हमारे कृषि यंत्र से मैं उनकी वीडियो डालता हूँ। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।